हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आप सभी का स्वागत है चटपट टॉय टीवी में। आज फेलोनी ब्लैक बीस्ट का पार्ट टू वाला वीडियो होगा गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसकी फाइट मैं XO1 के साथ कराऊंगा, पर प्लान में थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है क्योंकि गाइस XO1 का लेवल काफी ज्यादा ऊपर है। आप लोगों को ये चीज पता होगी कि XO1 ऑलरेडी स्लेच को हरा के, JLB J3 को हरा के और अपनी मारुति 800 को हरा के काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। तो पहले गाइस फेलोनी ब्लैक बीस्ट को इन सभी को हराना होगा, उसके बाद में देखते हैं गाइस क्या फेलोनी ब्लैक बीस्ट उतने लेवल तक पहुंच पाएगी या फिर नहीं। पहले गाइस इसको अपने आप को साबित करना होगा कि ये कार सभी को हरा के ऊपर तक जा सकती है। तो आज इसकी मैं रेस कराने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट कार्स के साथ। जैसे कि ये एक मॉन्स्टर कार है, साथ में गाइस ये रोड के ऊपर बहुत ही गजब तरीके से चल सकती है। ये अपनी JLB J3, इसके बारे में भी आपको पता होगा, ये मेरी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट RC कार है। इसको सिर्फ रेस में XO1 ने ही हराया था, तो ये कार भी ऑफ रोड में भी चल सकती है और रोड पे भी चल सकती है। इसकी भी रेस कराएंगे आज फेलोनी के साथ, देखते हैं गाइस क्या फेलोनी ब्लैक बीस्ट इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। ये कार के बारे में तो क्या ही बताऊंगा गाइस, ये आती है हाइपरगो की तरफ से और ये दिखती कंप्लीटली मारुति 800 जैसी है। इसकी पावर, इसकी ताकत, इसकी जो तेजी है ना गाइस, कोई भी कार में नहीं देखने को मिलती है। इसके साइज पे बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों, ये इतनी फास्ट चल सकती है कि यार आपकी आंखों के सामने से फरसन निकल जाएगी। तो आज देखते हैं क्या फेलोनी इसको भी हरा पाएगी या फिर नहीं। तो चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इन सभी के बीच में रेस कराएंगे, उसके बाद पुशबैक कराएंगे, उसके बाद टग ऑफ वॉर कराएंगे, देखते हैं फेलोनी ब्लैक बीस्ट कितनी ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले आर्मा फेलोनी का टेस्ट रन करते हैं गाइस, देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कहां तक जा सकती है। चलो गाइस पहले मैं इसको धीरे धीरे से चलाऊंगा। यार इसको तो धीरे धीरे चलाना भी नामुमकिन है। देखो यहां पे मैंने ट्रिगर दबाया, कार उधर तक पहुंच चुकी थी। ओ माय गॉड, कार सच में बहुत ज्यादा स्टेबल चल रही है यार, जैसे कि आप देख सकते हो भाई साहब। यहां पे अभी मैंने सिर्फ आधा ट्रिगर ही दबाया, इसकी स्पीड बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी थी। ब्रेक्स भी इसके अंदर काफी ज्यादा तगड़े क्वालिटी के दिए गए हैं। ओ माय गॉड गाइस, ये कार XO1 से भी ज्यादा स्टेबल तरीके से चल रही है यार। इसकी स्पीड सच में यार बहुत ज्यादा खतरनाक मेरे को लग रही है। जहां तक मेरे को पता चल रहा है गाइस, इसकी स्पीड XO1 से भी ज्यादा है। जहां तक लुक्स की बात करूं, बिल्कुल एक मसल कार जैसी है दिखाई दे रही है। अब एक काम करते हैं, इसको एकदम हाई स्पीड में मैं चला के देखने वाला हूं। फुल ट्रिगर मैंने दबा दिया है, पलक झपकते ही कार इधर से वो कॉर्नर तक पहुंच चुकी थी। ये कार के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा फीचर मैंने अभी देखा है, वो है इसका ब्रेक रेट सिस्टम। यहां से आप चाहे तो इसका ब्रेक पूरी तरीके से कम भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे ना, तो इसका ब्रेक बहुत सॉफ्टली लगता है, बहुत धीरे धीरे से लगता है। अगर ये नॉब को मैं पूरा घुमा दूंगा ना, तो ब्रेक इसका एकदम सड़न तरीके से भी लग सकता है। तो दूसरी कार्स में मैंने फीचर आज तक बिल्कुल भी नहीं देखा। सबसे पहले मैं फेलोनी ब्लैक बीस्ट की रेस कराने वाला हूँ JLB J3 के साथ, देखते हैं गाइस इन दोनों में से सबसे फास्ट कौन है। चलो रेस को करते हैं स्टार्ट। अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों ये रेस में। यहाँ पे हम दोनों ने बिल्कुल सेम टाइम पे ही ट्रिगर को प्रेस किया था, पर फेलोनी का रेस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा क्विक है। देखो फर्स्ट राउंड में तो इसने काफी आराम से जीत ली है रेस, सेकंड राउंड में भी ये जीत चुकी है। यहाँ पे JLB J3 विली करके आगे जाने की कोशिश कर रही थी, पर सेकंड राउंड में भी JLB J3 हार चुकी है। थर्ड राउंड में देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, देखते हैं फोर्थ राउंड में कौन जीतता है। ओ माय गॉड, फेलोनी यहां से निकल चुकी है भाई साहब, दिखाई तक नहीं दे रही है। JLB J3 यहां पे आकर बुरी तरीके से क्रैश हो गई है। ओ माय गॉड गाइस, J3 यहां पे काफी बुरी तरीके से आके क्रैश हुई है। कुछ टूटा तो नहीं है यार, देखते हैं एक बार ये चलती है या फिर नहीं। तो एक और बार मैं इसकी रेस कराऊंगा, चल रही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने बार बार रेस करा के देख ली है, क्लियरली यहाँ पे फेलोनी बार बार जीत रही थी रेस को। तो दोस्तों फेलोनी के आसपास भी J3 नजर तक नहीं आ रही थी यार, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है और ये काफी स्टेबल तरीके से चल रही थी। J3 को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि J3 के अंदर में जैसे स्पीड बढ़ा रहा था थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही थी। चलो गाइस अभी इसकी रेस कराते हैं दूसरी कार के साथ। इसके साइज पे बिल्कुल भी मत जाना गाइस, ये मारुति 800 बहुत ज्यादा क्विक, बहुत ज्यादा फास्ट है। जैसे मैंने दोनों के अंदर फुल ट्रिगर दिया है, देखो मारुति 800 फेलोनी को काफी सही तरीके से टक्कर दे रही थी, पर फर्स्ट राउंड में ये एक बार क्रैश हो गई थी। फिर मैंने इन दोनों के बीच में रेस लगा के देखा है, क्लियरली यहाँ पे भी फेलोनी ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस से मारुति 800 को हरा दिया था, पहले राउंड में भी और दूसरे राउंड में भी। तीसरे राउंड में भी देखूंगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रह गया है। तो फेलोनी ने मारुति 800 को भी काफी डिस्टेंस से हरा दिया है। इसके अंदर यार अभी मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा है क्योंकि कार बहुत ज्यादा स्टेबल चल रही है। जैसे मैं इसके अंदर फुल ट्रिगर दे रहा हूँ, कार भाई दिखाई तक नहीं दे रही है। फेलोनी ने भी मारुति 800 को काफी डिस्टेंस से हरा दिया है।
अब बहुत ही खतरनाक सी रेस होगी गाइस, स्लेज वर्सेस फेलोनी के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इसके अंदर मैंने 4S के दो बैटरीज डाल दिए। इसके अंदर तो आपको पता होगा 3S की दो बैटरीज आती है। 1, 2, 3 रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। स्लेज पूरे जोश के साथ फेलोनी को हराने में लगी हुई है। देखते हैं गाइस कौन जीतता है। स्लेज देखो यार बहुत ही खतरनाक तरीके से व्हीली करती हुई जा रही है। तो अब यहाँ से दोनों को टर्न करके मैं लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे फेलोनी थोड़ा सा आगे निकल चुकी है और भाई साहब फेलोनी फर्स्ट राउंड में बहुत इजीली जीत चुकी है। पता नहीं यहाँ पे जैसे मैंने इसके अंदर ब्रेक लगाया ये पूरी तरीके से पलट गई थी। इसको मैं खींच के निकालता हूँ यहाँ से। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा झाड़ियों के अंदर ये घुस चुकी है। अरे आ जा। ओह माय गॉड, पर इसको खोल के देखते हैं यार। सब कुछ तो सही है, पता नहीं। ओ भाई देखो कितनी ज्यादा झाड़ियां इसके अंदर घुस गई थी। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। इसका पीछे का व्हील बहुत ज्यादा वॉबल कर रहा है यार। ओए, अरे ये क्या हो रहा है गाइस, इसका शेप चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। देखो एक्चुअल में इसके अंदर 4S बैटरी बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। जैसे ही मैंने बैटरी डाल के इसको चलाया ना यार, इसके पीछे के व्हील के अंदर एक स्पंज होता है, मेरे ख्याल से वो स्पंज पूरी तरीके से फट गया है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर से भी ज्यादा तक जा रही थी। फिर भी एक बार गाइस, एक और बार मैं आपको रेस करा के बताता हूं पीछे के व्हील के अंदर क्या दिक्कत आ चुकी है। अब यहां पे दोनों के बीच में थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। फेलोनी काफी ज्यादा आगे निकल गई है। स्लेज को हाई स्पीड चलाने के चक्कर में मैंने क्रैश करा दिया है यहां पे। देखो इस व्हील के अंदर से अभी पानी निकला है। भाई वापस से आके यहाँ पे अपनी कार क्रैश हुई है। पिछली बार जब मैंने इसको पानी में चलाया था तो उस वक्त शायद इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया होगा, इस वजह से गाइस ये दिक्कत इसके अंदर आ रही है। तो थोड़ा करीब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया है इसके व्हील्स के अंदर से एक पानी की पिचकारी निकली है। अब यहाँ पे कार को मैंने बहुत टाइटली पकड़ रखा है। देखो गाइस इसके पीछे का व्हील, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया यार, बहुत बड़ा पंगा हो चुका है इस बार। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था पर इस बार तो यार टायर पूरा का पूरा यहाँ से फट के निकल चुका है और इसके अंदर स्पॉन्ज भी पता नहीं किधर आके गिरा है। ये देखो यहाँ पे आके इसका स्पॉन्ज गिरा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था स्पॉन्ज अंदर की तरफ से फट गया था, इस वजह से ये व्हील बहुत ज्यादा वॉबल कर रहा था। अब आप एक बार स्लेज की हालत देखो कैसी हो चुकी है, पूरी तरीके से लंगड़ा के चलने लगी है, मतलब रेस कराने लायक ये रही नहीं अब। क्लियरली यहाँ पे रेस को जीत लिया है फेलोनी ने। इसकी टॉप स्पीड 160 से 170 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है। दूसरी तरफ अपनी स्लेज की स्पीड 140 जाने के बाद टायर पूरी तरीके से फट चुका है इस तरफ का। कंप्लीट ऑफ रोड में आ चुका हूँ, कराते हैं पुशबैक ये कार वर्सेस ये कार के बीच में। देखते हैं इस फेलोनी क्या जेएलबी जेत्री को हरा पाएगी या फिर नहीं। अब इन दोनों के बीच में काफी टफ फाइट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे फेलोनी ने उठा के फेंकने की कोशिश की थी जेत्री को, पर जेत्री इसके ऊपर से काफी आराम से जंप करके निकल चुकी है। फिर एक बार इन दोनों के बीच में मैंने पुशबैक करा के देखा है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो फेलोनी ब्लैक बीस्ट ने कम्प्लीटली पीछे ढकेल दिया है जेत्री को। आप देख सकते हो कि फेलोनी कितनी ज्यादा ताकतवर है जेत्री के मुकाबले में। ओह माय गॉड, पुशबैक कराने के बाद इसकी हालत देखो गाइस, इसके अंदर कितनी ज्यादा मिट्टी घुस चुकी है। अरे बाप रे, ओह माय गॉड यार, ये कार को ऑफ रोड में नहीं चलाना चाहिए। अब देखते हैं क्या पुशबैक में फेलोनी ब्लैक बीस्ट ये स्लेज को हरा पाएगी या फिर नहीं। इसका फोम मैंने जैसे तैसे करके जोड़ दिया है, व्हील तो यार मेरे को मिला नहीं, अभी मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। उससे पहले एक काम करते हैं, स्लेज की फाइट कराते हैं जेत्री के साथ। इन दोनों के बीच में एक रस्सी मैंने बांध दी है, देखते हैं क्या स्लेज इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। ओह माय गॉड, एक टूटे हुए टायर के साथ भी देखो यार स्लेज बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो चुटकी बजाते ही जेत्री को हरा दिया है। स्लेज ने टायर फटने के बाद भी देखो यार टग ऑफ वॉर में जेत्री को बहुत आराम से हरा दिया है। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। अभी भी बहुत ज्यादा पावर बची है स्लेज के अंदर। यहाँ पे स्लेज पूरी कोशिश कर रही है फेलोनी को पीछे ढकेलने के लिए, पर फेलोनी ने इसको थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया है। स्लेज का वापस से टायर फट चुका है, इसी बात का फायदा उठाकर फेलोनी ब्लैक बीस्ट ने इसको पीछे ढकेल के रख दिया है। मेरे को लगा कि गाइस यहाँ पे स्लेज आराम से हरा देगी, पर यहाँ पे सीन पलट चुका है। देखते हैं गाइस क्या है, छुटकू सी कार फेलोनी के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे जस्ट मैंने थोड़ा सा ही ट्रिगर दबाया है, उतने में ही फेलोनी ने पूरा पीछे ढकेल दिया है मारुति 800 को। इसके लिए तो ये काफी ज्यादा इजी था। आज मैंने फेलोनी ब्लैक बीस्ट को बहुत ही खतरनाक तरीके से भी चला के देखा है। इसको रफ एंड टफ भी मैंने चलाया है, बहुत फास्ट भी चलाया है और बहुत तेज भी चलाया है। तो गाइस ये कार कहीं पे भी एक बार भी नहीं क्रैश हुई है। पिछली बार जब मैंने फर्स्ट टाइम X1 को चलाया था तो X1 काफी ज्यादा बार क्रैश हुई थी क्योंकि X1
इससे थोड़ी सी कम स्टेबल चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी और X01 की फाइट होगी, वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड अभी मैं दूंगा शाउट आउट। तो आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है दिव्यांश, वंश, सज्जाद, संजय, राहिल, पवन, अभ्युदय, आयुष, नक्ष, सक्षम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।